और हम शायद कुछ फेम में ज्यादा गहराई में आ गए हैं, क्योंकि अब यहाँ से दिख रहा है कि लाइट ने भी हमारा पूरा साथ छोड़ दिया है। फिर चल जा सकते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज सुबह की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है, निकल गए हैं और एक बढ़िया सी राइड पे। तो ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं निकले हुए और हम जा रहे हैं बहुत ही सुंदर सी जगह। सुंदर भी है और आर्किटेक्चर वाइज भी बहुत बढ़िया जगह है, तो बस वहीं के लिए निकले हैं। तो अभी सुबह सुबह का सीन ये है कि हम हैदराबाद से निकल रहे हैं, अभी ट्रैफिक है, ट्रक वगैरह, तो यहाँ से सीधा निकलते हैं और बढ़िया से चाय पॉइंट पे मिलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है चाय पीना होता है, चाय की एनर्जी, तो चाय की एनर्जी लेके मिलते हैं चाय पॉइंट पे। तब तक जरा नज़ारे इंजॉय कर लो। सुबह सुबह एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, बारिश मिल गई रास्ते में, तो हमने सोचा अराउंड 110 किलोमीटर्स कर चुके हैं, तो अभी बारिश की वजह से हमने सोचा थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं और थोड़ा सा वेदर भी थोड़ा ठीक होने की वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट पासिंग क्लाउड है, तो बारिश कैसे भी आधे घंटे 40 मिनट में बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कोशिश में कि थोड़ा चाय कर लेते हैं, नाश्ता करते हैं, तो निकलते हैं। और मैं दिखाता हूँ पीछे का व्यू, कुछ पीछे का व्यू है, अपनी बाइक वहाँ खड़ी हुई है और मौसम देख सकते हो बारिश हो रही है, पर वहाँ पे देख रहे हो तो एकदम क्लियर हो चुका है आसमान। तो इसका मतलब एक आधे घंटे 40 मिनट के अंदर पूरा आसमान क्लियर हो जाएगा। तो हमारे भी चाय आ चुकी है, बढ़िया से गर्मा गर्म चाय, तो हम लोग चाय वाय पीते हैं तब तक ये बारिश भी रुक जाएगी, फिर आराम से निकलते हैं यहाँ से। कर्नूल इज आई गेस 98 किलोमीटर्स होगा, तो कर्नूल से और आगे तक जाना है, तो आई गेस 2 घंटे और उसके आगे और 2 घंटे, 4 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे, 3 घंटे में। वेदर के ऊपर अगर अच्छा रहा तो कर्नूल मेरे ख्याल से 1 आवर 10 मिनट्स 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, और उसके आगे 2 घंटे में, तो 2.5 घंटे में हो जाएगा। और अगर बारिश हुई या वेदर ठीक नहीं हुआ तो 4 घंटे भी लग सकते हैं, 5, कोई दिक्कत नहीं है, बस वेदर अच्छा रहे, ठंडा रहे, धूप नहीं होनी चाहिए। हॉल्ट ही है बिकॉज बारिश बहुत तेज़ हो गई है, मेरा रेनकोट सुखाया है, बाइक भी भीग गई है, और कुछ ऐसा मौसम है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लिया जाए कि मौसम ठीक हो जाए, फिर निकलते हैं। और ये पता नहीं कौन है, पता नहीं है, गलती से कोई तो भी मेरे साथ आ गया, नहीं मालूम मेरे को। ये अभी अभी हम दूसरे ग्रह का प्राणी लेके आए हैं, ये प्राणी अभी हम दूसरे ग्रह से पकड़ के लाए, और हम लिटरली एक पेट्रोल बंक में रुके हुए हैं। मौसम अच्छा है, लाइक क्लाउड्स, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, बट बारिश हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं बट तेज़ है, तो थोड़ा बारिश कम होने का वेट करेंगे फिर निकलेंगे। डिस्टेंस लेफ्ट इज़ ओनली 150, जो कि आराम से हम 2 घंटे में निकाल दूंगा, बट वही है, बारिश रुक गई तो भगा सकते हैं, नहीं तो ऐसा बारिश में चलाने में भी विजिबिलिटी का भी इशू हो रहा है, क्योंकि वो गाड़ी के पहिए से पानी आ रहा है। तो ये छोटा सा अपडेट है मैं राइड के बीच का। और ये पहुँचे हम एक वंडरफुल से व्यू की तरफ, और ये है एक वंडरफुल सा डैम का व्यू, और वहाँ दिख रहा है कि हमें बोटिंग भी हो रही है। तो ये है कुछ रास्ता अपना बेलम केव्स की तरफ का, थोड़ा सा ख़राब है बट जो व्यू है ना, वर्थ है यार, क्या मस्त व्यू लग रहा है, ये ब्यूटीफुल सा। और वहाँ बोट है, शायद वही बोटिंग क्लब भी है, और ऑलमोस्ट यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर बाकी है और बेलम केव्स, वो भी अभी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो फाइनली आ गए हैं हम बेलम केव्स पे, अभी अभी हमने टिकट
करा लिया है टिकट काउंटर से और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अब चलते हैं केव की तरफ और हालत थोड़ी ख़राब है बिकॉज बारिश की वजह से ना रास्ता बहुत ख़राब हो गया है। और अभी केव्स की एंट्रेंस, अरे वाह बढ़िया है, क्या व्यू है, पीछे बेलम केव्स है हमारे। अभी मस्त से चलते हैं अंदर केव्स के। फाइनली इतना दूर हम लोग आए इस केव के लिए। इसका इधर का व्यू नहीं, अब इधर का व्यू देखो। तो ये केव है, उधर से घूम के निकल। और ये है कुछ बेलम केव्स का व्यू। एक्चुअली मैं खुद संभल संभल के चल रहा हूँ, अगर मैं इसको वाइड एंगल पे दिखाऊँ केव का व्यू कुछ इस तरह है। और मैं बहुत संभल संभल के चल रहा हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत स्टीप हैं। और वो क्या लुक आ रहा है, ये है वर्थ है भाई। अब हम चलते हैं पाताल लोक। और वो सीरियसली दिस इज ब्यूटीफुल, वो क्या ही जगह है यार, वो हो दिस लुक्स सो अमेजिंग। क्या फील है, ओहो क्या ही फील है। This is something amazing. Wow. I need a picture. हाँ आते वक्त लेंगे, मैं बोलूँ पहले अंदर तक चलते हैं। बस वही है, ऐसा फील आ रहा है जैसे हम दूसरी दुनिया में हैं। और यहाँ पे केव थोड़ी छोटी हुई है हाइट। मैं सोच रहा हूँ उस जमाने में लोगों ने इसको कैसे बनाया होगा, बहुत मेहनत लगी होगी। एक वहाँ की तरफ दूर जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो हम थोड़ा नीचे उतर के देखते हैं। पहले यहाँ नीचे उतर के देखते हैं। कोई तो भी गली पकड़ के आया है जिधर के। हाँ और रिकॉर्डिंग ऑन है मतलब। और यहाँ कैमरा, ये पत्थर थोड़े नीचे आ गए। एक चीज अच्छी है कि लाइट है इधर, और हम शायद कुछ केव में ज्यादा गहराई में आ गए हैं क्योंकि अब यहाँ से दिख रहा है कि लाइट ने भी हमारा थोड़ा साथ छोड़ दिया है। फिर से जा सकते हैं, आइए हम आपको एक्सप्लोर करें। और ये दूसरी गली है
मैं बता रहा हूँ ये भूल भुलिया जैसी चीज है, तो आराम आराम से जाइए। इधर आने के बाद भाग दौड़ी मत करो, बच्चों के साथ आ रहे हो तो उनको पकड़ के रखिए। मस्ट मतलब एक एडवाइस बोलूँगा कि बच्चे भागते हैं गुम हो जाएंगे और आपको ढूंढते रहेंगे, इसलिए उनके साथ रखिए, उनको भागने मत दो। एक तो केव्स ऐसी है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी केव। सर पे पड़ी मेरे भूतपूर्व की केव, छोटी हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे चल रहा हूँ। पर ये केव की किसी जगह पे पूरे पसीने में हाल बेहाल, थोड़ी लाइट मिली तो सोचा थोड़ा अपना हाल दिखा दे। पीछे पूरा अंधेरा है, अच्छा है एक्सप्लोरिंग में, अच्छा फिर अंधेरा चालू हो गया, अब फिर कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं बोला था एक बुद्धा का स्टैचू है, तो अभी बुद्धा के पास जाने की तो इच्छा नहीं असल में एनर्जी नहीं है, बट मैं आपको इसका एक अच्छा सा व्यू दे देता हूँ। तो ये है व्यू, एक बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत पीसफुल सा जगह पे ऐसा पेड़ लगाया है, काफ़ी पीसफुल है। मतलब अगर नॉर्मल वेदर में आओगे ये पेड़ पूरे हरे भरे रहेंगे, तो ऐसा मेडिटेशन के जैसा बनाया गया, पेड़ पर लिटरली मेडिटेट कर सकते हो। तो है बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है। और अभी हम यहाँ से स्ट्रेट निकलते हैं करनूल की तरफ, उसके बीच में करेंगे लंच। तभी वही ख़राब रास्तों से होते हुए हमको जाना है, तो हम चलते हैं। और फाइनली वी आर एट माय बाइकर्स स्टोर करनूल। खाना वाना खाया, मस्त खाया। अभी वी आर थोड़ी सी गपशप मार रहे हैं आराम से, जैसे होता है ना तीन लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी ईटरी में बैठे हैं हम, और जो स्क्रीनिंग है मैच की वो उधर चलेगी। अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैच स्टार्ट होने से पहले मैं हैदराबाद के लिए स्टार्ट हो जाऊंगा, वरना मैच एंजॉय करते थे। बट इधर की वाइब्स देखो, ग्लो ग्लो ग्लो, मस्त ग्लो हो रहा है। और अपनी बाइक वहाँ पे रखी हुई है, और भी बाइक्स है वहाँ पे, मोजो है, आगे भी एक बाइक है। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे तीन है, स्टोर कैफे एंड ईटरी, लाइक स्टोर कैफे एंड रेस्टोरेंट एंड टी शॉप। तो ये प्यारा सा सेटअप है जगह का। ब्लॉग इसी तरह इज कमिंग टू एन एंड विद चाय। तभी हम दोनों मस्त चाय पी रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बिस्किट थोड़ा खा लिया, और ये बिस्किट खाते एक अच्छी शायरी आती है जो इंस्टा पे असल पहुँच रही है, तुम चाय से मोहब्बत तो करो हम बिस्किट से डूब जाएंगे। वो डूब गया मेरा बिस्किट, डूब गया पत्थर पे, मतलब चाय वाली मोहब्बत पे, चाय इज ओनली मोहब्बत, चाय वाली मोहब्बत। तो इसी के साथ ब्यूटीफुल सी जर्नी हम यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद सीधा हैदराबाद जाएंगे घर पे। तो अभी रात हो गई है, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया व्लॉग में। इसके बाद अभी बहुत ख़तरनाक अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे घर पर आ चुकी हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोज़, ये बहुत कुछ है। तो स्टे ट्यून, कुछ कंटेंट हमारे पास भी रहते हैं सरप्राइज, हम भी डालेंगे। एंड गिव अवे भी आ रहा है जो कि मेरे इंस्टा स्टोरी पे है, नहीं है तो फॉलो करो, बहुत जल्दी गिव अवे कंटेस्ट आ रहा है, तो वो भी अमेजिंग रहेगा। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम अच्छा होगा बुरा होगा, बस सपोर्ट सबका मिलेगा तो कोशिश करेगा अच्छा सा गिव अवे करने का। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त राइड वाला साइनिंग ऑफ़।